नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बेसन से बनने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सब्जी की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है ना, उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनकर तैयार होता है। बच्चे हो या बड़ा, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए ना, एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, आधा चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच कुटा हुआ रेड मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले, बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को ना हमें अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हमें ना बेसन का गाढ़ा घोल बना लेना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, वरना क्या होगा कि घोल पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो इसे ना हाथों से ही मिलाएं, हाथ से ना ये अच्छे से मिल जाएगा और इसमें बेसन का गुठलिया नहीं रहेगा। तो बेटर को यहाँ पर मैंने मिला लिया है और बेटर को कुछ इसी तरह से गाढ़ा रखना है। अब इसे लेंगे और गैस के तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप खाते हो और आपको पसंद हो। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हाथों से थोड़ा थोड़ा करके हम बेटर लेंगे और इस तरह से हम कढ़ाई में डालेंगे। तो कढ़ी के लिए जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे भी हम बना लेंगे। तो एक कढ़ाई में जितना बड़ी आ सके उतने डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। तो रखते ही तुरंत इसे ना पलटे, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम पलटेंगे और पलटने के बाद ना दूसरे साइड से भी हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना फ्राई करें, वरना क्या होगा कि बड़ी अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे ना उलटते पलटते हुए अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बड़ी यहाँ पे बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको हम बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो निकालते वक्त ना थोड़ा टेढ़ा करके निकालें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना वो बाहर निकल जाएगा। और इन सबको निकाल लेने के बाद सेम प्रोसेस से बचे हुए बेटर को ना हम बड़ी बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे आप ऐसे भी टमाटो केचप के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हम इसके लिए ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए ना कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल को बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 इसमें लौंग डालेंगे, 3 सूखा हुआ रेड मिर्च, 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और इन सभी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद जब खड़ा मसाला चटक जाएगा तो इसमें 2 प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ना लंबाई में काट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को ना बारीक काट कर भी ले सकते हैं। प्याज डालने के बाद ना इसे हम मिला लेंगे और मिला लेने के बाद ना साथ में ही इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो प्याज को ना भूनते वक्त ही लहसुन का पेस्ट डाल दें, इससे क्या होगा ना कि लहसुन का कच्चापन का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और हमें ना गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे प्याज को ना गल जाने तक हमें पका लेना है। मीडियम फ्लेम पे ना प्याज को पकाते हुए 7 मिनट हो गया है और ये देखिए यहाँ पे प्याज बढ़िया से गल चुका है। तो इसे एक बार मिला लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे ना सब्जी की कलर बहुत ही बढ़िया आएगा।
आधा चम्मच चिली रेड मिर्च पाउडर, इसे आप अपने तीखा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा मरीच का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले। अब सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ना इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी। पानी से ना मसाला पैन में चिपकेगा नहीं और अच्छे से भुन जाएगा। और इसे हम मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। यहाँ पे मसाला को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है, तो इसे एक बार मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद ना इसमें बारीक कटा हुआ 1 बड़े साइज का टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद ना इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद ना मीडियम फ्लेम पे टमाटर को गल जाने तक हमें पका लेना है। तो बीच बीच में इसे चलाते रहे, वरना क्या होगा कि मसाला पैन में चिपक जाएगा। तो यहाँ पे टमाटर को ना पकाते हुए 7 मिनट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे मसाला भी बढ़िया से भुन गया है, टमाटर भी बढ़िया से गल चुका है, सारा तेल देखिए ऊपर आ गया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी डालेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उस अनुसार इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद ना इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर है ना वो ग्रेवी में आ जाए। और मिला लेने के बाद ढककर उबाल आने तक हमें पका लेना है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आने लगा है। तो अब इसमें ना सारे बड़ी को डाल देंगे। बड़ी डालने के बाद ना इसे मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ना इसे हमें फिर से ढक देना है। और ढक कर ना लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका ले ताकि बड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर ग्रेवी चला जाए। यहाँ पर देखिए 7 मिनट हो गया है। तो अब हम कवर हटाएंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर धनिया पत्ता आपके पास है तो डालें, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद ना इसे हमें मिला लेना है। मिला लेने के बाद इसे ढक देंगे और ढक कर ना 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि धनिया पत्ता का फ्लेवर है ना वो ग्रेवी में आ जाए। 5 मिनट हो जाने के बाद ना अब कवर को हटाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे बेसन की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार आप भी इस तरीके से ना बेसन की बड़ी की सब्जी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो यकीन माने ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।